First Choice Kids Wear धमाका सेल ऑफर अप टू 40-60% डिस्काउंट के साथ स्पेशलिस्ट इन किड्स वेयर फैंसी बाबा सूट चूड़ीदार वेस्टर्न आउटफिट होस्टरी आइटम्स और भी बहुत कुछ फर्स्ट चॉइस 9 साल से है आपकी चॉइस वैरायटी की भरमार अच्छी क्वालिटी कम दाम आज ही आए फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर महेश सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। मुमरा बाईपास का नाम और कालशेखर अस्पताल जाने वाले सर्विस रोड का नाम को लेकर मुमरा में सियासत तेज हो गई है। सोशल मीडिया में इसकी चर्चा तेजी से हो रही है कि मुमरा बाईपास का नाम हाजी अब्दुल रज्जाक कालशेखर रखा जाएगा। इसी चर्चा का एनसीपी के कलवा मुमरा अध्यक्ष शमीम खान ने खंडन किया है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और बताया कि कुछ लोग हैं जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी देते हुए शमीम खान ने यह भी बताया कि 2017 के सितंबर महीने में पीडब्ल्यूडी को लेटर देकर उन्होंने मुमरा बाईपास का नाम धर्मगुरु हजरत मुसन्ना मियां रहमतुल्लाह अलैह नाम रखने की मांग की थी। इसके अलावा कालशेखर अस्पताल और कालशेखर कॉलेज जाने वाले सर्विस रोड का नाम हाजी अब्दुल रज्जाक कालशेखर नाम देने की मांग अभी हाल ही फिलहाल में की है। वहीं शानू पठान ने भी वाई जैक्सन पर हाजी अब्दुल रज्जाक चौक बनाने की मांग की है और जल्द ही शमीम खान ने बताया कि इन्हें इन तीनों कामों में कामयाबी हासिल होगी। वहीं शमीम खान ने यह भी बताया कि कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया में मुमरा बाईपास का नाम हाजी अब्दुल रज्जाक कालशेखर रखा जाएगा ऐसा मैसेज चला रहे हैं। उनके बारे में शमीम खान ने कहा है कि राजनीति करो मगर इतनी गंदी राजनीति मत करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शमीम खान ने क्या कुछ कहा है सुनिए। शमीम भाई, आज जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्या मुद्दा है आपका और किस लिए बुलाई गई है, क्या है पूरी जानकारी? आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैंने मेरे कुछ साथियों को, पत्रकार बंधुओं को, हमारे भाइयों को मैंने अर्जेंट कॉन्टेक्ट करके बुलाया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधानसभा की ऑफिस पे। उसका सब्जेक्ट ये है कि कुछ शरारती वर्ग के लोग जो मुझे कहीं ना कहीं से बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो आज उसमें एक कड़ी पाई गई इस तरीके से कि मुझे बदनाम करने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है कि जिसको इज्जत देना चाहे अल्लाह ताला उसे कोई बेइज्जत नहीं कर सकता। तो मैं अल्लाह की जात पर पूरा यकीन रखता हूँ और मैंने कभी ना कोई ऐसा काम किया है, ना ही इंशाल्लाह करूँगा कि जिससे मुझे कोई बदनाम कर सके। मुझे अल्लाह की जात पर पूरा यकीन है। खुलासा ये करना चाहता हूँ आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कि अभी हाल ही में हमने एक पत्र दिया था थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब को, हमारे अपोजिशन लीडर मेरे भाई शानू अशरफ पठान को, हमारे ग्रुप लीडर गट नेता नजीमुल्ला साहब को और हमारे मेयर साहब को मस्के साहब को एक लेटर दिया था हमने। सब्जेक्ट ये था कि एक रोड था जो रोड अगर आप देखेंगे तो एक सर्विस रोड जाता है जो रोड जाकर के मेन रोड से, यानी अगर मैं कहूँ तो कालशेखर कॉलेज और कालशेखर हॉस्पिटल और इतराफ के इलाकों के लिए एक सर्विस रोड जाता है। उस रोड पे काफ़ी गड्ढे थे, रोड ख़राब था, डैमेज था, कोरोना की महामारी के अंदर वहाँ पे बहुत बुरी हालत थी। तो मैंने मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को बात किया कि सर ये रोड का काम करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे बहुत गड्ढे हैं और यहाँ पे पेशेंट को आने जाने में, स्कूल कॉलेज के लिए जो लोग आते जाते हैं उन्हें कहीं ना कहीं दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। उसी दिन मेरे सामने हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने MMRDA से कांटेक्ट किया और उसके बाद अल्लाह का एहसान है कि वो रोड 90% बन चुका है, 10% बाकी है। लेकिन कभी इसकी हमने क्रेडिट लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वो रोड का नाम मंसूख करने के लिए जो हमने मांग किया है
वो ऐसे शख्स के लिए किया है जिनके लिए हम कितनी भी तारीफ करें उतना कम है। मरहूम हाजी अब्दुल रजाक कालशेखर साहब के की याद में हमने इसके पहले कुछ दिनों पहले मंत्री जी के आदेश अनुसार मैंने और हमारे भाई अशरफ सानू पठान ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधानसभा ऑफिस के बाहर एक रक्तदान शिविर भी बड़े पैमाने पे किया था। उसके बाद अभी हमें लगा कि जब ये रोड बन गया है और वो रोड कालशेखर हॉस्पिटल कालशेखर कॉलेज को कनेक्ट होता है होते हुए आगे निकल जाता है तो क्यों ना उसका नाम AR कालशेखर का नाम दिया जाए। उसको लेके हमने मांग नहीं किया था। उसका डेट है 13/2/2021 को, ये हमने लेटर से मांग नहीं किया। इसके बाद हमें एक पत्र आया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे थाने महानगर पालिका के कमिश्नर साहब का कि उन्होंने 16/2/2021 को ये लेटर भेजा। इस लेटर में उन्होंने यही लिखा है कि प्रपोज टू गिव लेट मिस्टर AR कालशेखर नेम टू ए सर्विस मेड एट कौसा। उपरोक्त यानी ये जो लेटर है ये लेटर के बारे में उन्होंने नगर अभियंता थाने महानगर पालिका परिवहन सेवा यांचे कड़े इन्होंने ये लेटर भेज दिया है कि इसके ऊपर वो कार्रवाई करके काम को आगे बढ़ाया जाए। ये लेटर उन्होंने 16/2/2021 को कमिश्नर साहब की तरफ से मुझे मिला है, हम आपके माध्यम से दिखाना चाहते हैं। मैं कमिश्नर साहब का, मैं हमारे अपोजिशन लीडर मेरे भाई शानू असर पठान का और इसके साथ साथ में हमारे गट नेता नजीमुल्ला साहब का और हमारे मेयर साहब का और जिन्होंने मुझे इस काम को करने के लिए आदेश दिया मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी अच्छी एक पहल की गई हम लोगों की तरफ से। मैं कहना चाहता हूँ, बार बार कहता हूँ, फिर कहना चाहता हूँ, हाजी अब्दुल रजाक कालशेखर साहब की वो शख्सियत है जो शख्सियत के बारे में कितना वो अल्फाज कहाँ से लाऊँ जो मैं उनकी सराहना कर सकूँ, उनकी तारीफ कर सकूँ या उनके लिए मैं अल्लाह से दुआएं हम तमाम लोग करते हैं। जो उन्होंने एजुकेशन को लेकर के, जो उन्होंने हॉस्पिटल को लेकर के, जो उन्होंने गरीब और मुस्तहिक को लेकर के एक हमेशा बड़ा काम किया। रफीक कामदार साहब उन्होंने वो काम किया जो सराहनीय काम है और उनके जात से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे फायदे मिले। शमी भाई एक चीज यहाँ पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और कुछ शरारती तत्व जो बता दिया गया तो वही मतलब जानना चाहिए। भी आना चाहिए। हाजी साहब की याद में हमेशा हम लोग, हमारा शहर ही नहीं बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो कोई रमेश हो चाहे वो कोई शोएब हो, मैं मतलब कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि ये रमेश है कि ये शोएब है, उन्होंने ये देखा कि ये इंसान है। उस इंसान के लिए हाजी अब्दुल रजाक कालशेखर साहब ने हमेशा बढ़ चढ़ कर के लिए उनका ताउन किया और उनके लिए मदद की। इसके लिए हम अल्लाह ताला से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे, आमीन। उनकी याद में ये रोड की मांग की गई, ये हमने आपको लेटर दिखा दिया। अब कुछ शरारती लोगों ने मुझे बदनाम करने के लिए एक नया साजिश रचा, जो ये रचा कि शमीम खान ने 24 सितंबर 2017 को एक पत्र व्यवहार किया था और उस पत्र व्यवहार में ये लिखा था कि कालशेखर साहब का वो जो रोड है जिस सर्विस रोड के लिए हम मांग करते हैं कि AR कालशेखर साहब के नाम पे रखा जाए, तो उन लोगों ने सोशल मीडिया में ये फैलाने की कोशिश की कि शमीम खान ने उस रोड की मांग हमारे हजरत मौलाना मुसन्ना मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे हमने ये मांग की थी कि हजरत साहब के नाम पे वो रोड को मुंतखब उस रोड का नाम दिया जाए, जबकि ये गलत है। हजरत साहब के लिए हम सब के दिल में बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। हजरत साहब को अल्लाह ताला जन्नत में आला मुकाम दे, अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ उन दोस्तों को, उन शरारती लोगों को जो लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि मेरे सामने इस वक्त कई सारे अखबार है लेकिन इसमें मैं एक अखबार वो लूँगा जिसके रिपोर्टर मेरे सामने बैठे हैं और वो हैं
रफीक कामदार साहब जो इस वक्त हिंदुस्तानी रिपोर्टर के एडिटर भी हैं और बुलंद उजाला एक अखबार जो निकलता था या निकलता है, माफ कीजिएगा, निकलता था मतलब उसको अखबार है और आज भी निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह रफीक कामदार साहब। हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से, ये है तस्वीर, ये हम बताना चाहेंगे आपको 24 सितंबर 2017 को इसकी हेडलाइंस दिया रफीक कामदार साहब ने, जल्द होगा मुमरा बाईपास महामार्ग का नाम हजरत मुसन्ना मियां साहब के नाम, शहर के बाईपास महामार्ग का नाम जल्द ही शहीद राह मदीना हजरत अनवर अशरफ उर्फ मुसन्ना मियां साहब के नाम से किया जाने वाला है। यही जानकारी लाकंबा के मुमरा कलवा विधानसभा के अध्यक्ष शमीम खान ने दी है। डिटेल बहुत लंबा है, ये अखबार की न्यूज़ है। हमने ये मांग पत्र व्यवहार किया था, हमने ये पत्र व्यवहार किया था 22 सितंबर 2017 को। हमने ये PWD से मांग की थी कि आप उस रोड का नाम हजरत मुसन्ना मियां साहब के नाम पे रखा जाए, बाईपास का नाम। ये साफ लिखा है बाईपास का, आप दिखा दीजिए आपके माध्यम से, हम बताना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से। ये हो गई अखबार की न्यूज़, बुलंद उजाला की, ये हो गई खबरों का तहलका। ये हो गया खबरों का तहलका, ये हो गई आज की सियासत, ये हो गया विशेष नगरी, हमारे दोस्त सोहराब भाई का अखबार है, ये हो गया निर्भय महाराष्ट्र, ये यासर भाई का अखबार है, यासर बंदाजी साहब का अखबार है। ये ऐसे मेरे पास बहुत सारे अखबार हैं, मैं ज्यादा वक्त मीडिया के सामने नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमने मांग की थी हजरत मौलाना मुसन्ना मियां साहब रहमतुल्लाह के नाम पे, आज भी उस रोड का नाम हजरत साहब के नाम से, बाईपास का नाम मंसूख किया जाए, उस नाम पे इन हजरत साहब के नाम पे बाईपास का नाम रखा जाए, इसकी मांग हमारी कल भी थी। ऐसा नहीं है कि हमने लेटरबाजी कर दिया और अखबार में न्यूज़ छपा दिया और हम भूल गए, हम आज भी उस काम के लिए हम लोग लगे हुए हैं। अभी भी मेरी बात, कुछ दिनों पहले हमारे महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हमारे भाई सैयद असरफ भाई साहब से मेरी बात तकरीबन 6 से 7 महीना पहले हुई थी कि भाई साहब मैं कोशिश में लगा हुआ हूं, आपको भी दोबारा कॉल करना पड़ेगा। मेरी बात इस ताल्लुक़ से हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब से हुई है, मेरी ये चर्चा, मैं जो भी काम करता हूँ मेरे साथी, मेरे भाई यूथ के प्रेसिडेंट और आज के हमारे भाई अपोजिशन लीडर सोनू पठान साहब का भी उस लेटर में सिग्नेचर था, हम दोनों ने मिल करके वो ख़त दिया था। तो इस तरीके से जो लोग हमारे हजरत साहब के नाम से हमें बदनाम करना चाहते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, राजनीति सुना था कि गंदी होती है, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा कि गंदी राजनीति गंदी होती है, मैंने सुना था ज़रूर ये बात को लेकर के, लेकिन कुछ परसेंट के लोग ऐसा करते हैं, इसका मुझे एहसास हुआ आज कि अपनी राजनीति और अपनी रोजी रोटी, अपनी रोजी रोटी अपनी पार्टी को सेकने के लिए मुझे इस तरीके कौन लोग हैं ये जो ऐसा कर रहे हैं। सलामुद्दीन साहब, मैं किसी का नाम लेकर के उसको बढ़ाना नहीं चाहता, नहीं, किसी राजनीति पार्टी से है, हाँ, राजनीति पार्टी से लोग हैं, मैं उस पार्टी का नाम लेके बोलना भी नहीं चाहता, जो पार्टी हमारे सामने है ही नहीं मैं उसका नाम भी लेना नहीं चाहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि इसका जवाब जो आपने मुझे झूठा बदनाम करने की कोशिश की है, इसका जवाब अल्लाह ताला के पास आखिरत में जरूर लूंगा। शमीम भाई, 2017 की एक मांग है आपकी, 24 सितंबर को मेरे खुद के अखबार में छपी है कि बाईपास को हजरत मुसन्ना मियां का नाम दिया जाए, और अब ये फरवरी 2021 में आपने मांग की है कालसेगर के सर्विस रोड के लिए, दो अलग अलग सब्जेक्ट है, तो अब इसको कौन लोग हैं जो गड़बड़ करके इस तरीके की बात कर रहे हैं कि इस तरीके की जो है मांग बाईपास के लिए अब कालसेगर साहब का नाम दे दीजिए या सर्विस रोड को मुसन्ना मियां का नाम दिए, या ऐसी गड़बड़ करने वाले ये शरारती तत्व कौन है? कोई पत्रकार भी इसमें शामिल है क्या? एक दो पत्रकार भी हैं जी, आपने सही कहा है, लेकिन अल्लाह उनको हिदायत दे। तीन चीज रफीक कामदार साहब, एक तो मुमरा बाईपास का नाम हजरत मुसन्ना मियां साहब के नाम पे मनसूख किया जाए, ऐसी हमारी मांग थी शानू भाई की,
और शानू भाई ने एक बहुत टाइम पहले खत दिया था, हार्दिक भाई उसमें मौजूद थे, वो ये था कि जो ये चौक है बाईपास का उसका नाम रखा जाए हाजी कालशेखर साहब के नाम पे। तीसरा ये है जो मैंने सर्विस रोड का नाम दिया है कालशेखर साहब के नाम पे। तो इस तरीके से हम लोगों ने मांग किया है और हमारी पूरी कोशिश है कि ये तीनों काम बहुत जल्द हम लोग पूरा करें। और रही बात कि ये जो लोग इस तरीके का हरकत करते हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूँ और मेरी आवाम से भी ये दरख्वास्त है कि अब आने वाले वक्त में इलेक्शन है कॉरपोरेशन का। जिस तरीके से कुछ बदमाश लोग हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र दरबार साहब को, जो शख्स इस शहर को लेकर के, हमारी आवाम को लेकर, हमारी कौम मिल्लत को लेकर के 24 घंटा एक्टिव रहता है, उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं हमको, हमारे भाई शानू पठान को, भाई साहब को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सियासत करो, सियासत करना चाहिए, उससे कोई आपको नहीं रोकता, लेकिन झूठे इल्जाम मत लगाओ। अल्लाह ताला की लाठी में आवाज़ नहीं है, लेकिन उसकी लाठी जब पड़ेगी तो आपको ये समझ में आएगा कि चाहे वो राजनीति हो, चाहे किसी का पर्सनल मामला हो, चाहे वो मेरा हो, चाहे वो आपका हो, उसके अंदर गंदी राजनीति नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से उन जो लोगों ने ये बदमाशी की है, मैं उन्हें यह संदेश देना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर जितेंद्र दरबार साहब का सिपाही हूँ, बार बार कहता हूँ, फिर कहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो मैं मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र दरबार साहब, सैयद अली अशरफ भाई साहब, हमारे प्रेसिडेंट आनंद परांजपे साहब, अपोजिशन लीडर शानू पठान साहब, गट नेता नजीम मुल्ला साहब और मेरे तमाम नगर सेवकों के साथ मिल करके इंशाअल्लाह ताला ये जो हम तीनों काम की बात आपके सामने हमने रखी है, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इस काम को करके फिर आपके साथ बैठ करके हम इंशाअल्लाह उसका घोषणा करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। ठीक, बहुत बहुत